वेलकम टू नॉलेज पॉइंट्स। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं नोट मेकिंग, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि नोट मेकिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना, यही तो होता है नोट मेकिंग, नोट्स बनाना। आखिर आपने बहुत बार कई सब्जेक्ट के नोट्स बनाए होंगे, तो बस उसी की तरह ही होता है नोट मेकिंग। बड़ा ही इजी है, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले नोट्स बनाते वक्त आप क्या क्या सोचते हो? जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हो तो क्या सोचते हो? क्या आप पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ उतार देते हो? नहीं, आप उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिख लेते हो, ताकि मैं पेपर से एग्जाम से एक दिन पहले देख कर उसको जल्दी से समझ लूँ, जल्दी से रिमाइंड कर लूँ। तो आप क्या करते हो, उसमें से जो भी पैराग्राफ पूरा अगर बुक का है तो पूरी बुक में से जो जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उसको तुम लिख लेते हो कहीं एक जगह पर। और कहीं कहीं पे आप कीवर्ड्स भी यूज करते हो, जैसे आप पूरी वर्ड नहीं लिखते हो, छोटा छोटा लिख देते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी को तो कहते हैं नोट मेकिंग। बस सिंपल सा फंडा है, यही इसमें भी लगाना है रूल। आपके एग्जाम में नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको 3-4 पैराग्राफ दिए होंगे, तो आपको उन पैराग्राफ में से सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो आपको लगेंगी उसको अंडरलाइन कर लेना है। आपको एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और जो जो बातें आपको लगे कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट लग सकता है, वो इम्पोर्टेंट बातों को आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब आपको आंसर लिखते वक्त 3 हेडिंग्स बनानी होती है, और उन 3 हेडिंग्स के अंदर आपको 3-3 सब हेडिंग्स ही बनानी होती है। अब जान लेते हैं कि हेडिंग्स क्या होती हैं और सब हेडिंग्स क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, तो कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन है वो तो बन जाएगा आपका हेडिंग, और उसके अंदर जो कॉजेस होंगे वो बन जाएंगे आपके सब हेडिंग। जैसे कॉजेस ऑफ बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक के कारण जो हमारा पॉल्यूशन फैलता है, या जो वायु में एयर के कारण जो एयर डस्ट होती है उसके कारण जो पॉल्यूशन फैलता है, नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, ये सारे पॉल्यूशन कॉजेस पॉल्यूशन के आ जाते हैं। इनको हम सब हेडिंग्स में लिखेंगे और हेडिंग्स हमारा हो जाएगा कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। इसी तरीके से आपको 2 हेडिंग्स और बनानी है और उनके भी 3-3 सब हेडिंग्स बनानी है। याद रहे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाते वक्त आपको एब्रीविएशन भी यूज करनी होती है। अब एब्रीविएशन क्या होती है? एब्रीविएशन का मतलब होता है आपको कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं जिसको आपको फुल वर्ड को सिंपली छोटे वर्ड में लिख देना होता है। जैसे गवर्नमेंट का सिर्फ हमने लिख दिया GOVT गॉप, और इसी तरीके से आप काफी सारे एजुकेशन का लिख दिया आपने ADU एजु, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उसको आपको छोटे में लिखना होता है, उसी को हम कहते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आपको पूरे नोट मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लिखनी होती है, और आपको साइट में बॉक्स बना के एब्रीविएशन यूज्ड का उसमें आपको बता देना पड़ता है कि कौन कौन सी हमने वर्ड्स का एब्रीविएशन लिखा है, ताकि टीचर को एग्जामिनेशन को पता लग जाए कि यह सारे जो वर्ड्स हैं वो एब्रीविएशन बच्चे ने यूज की है। इतना करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ किसके ऊपर लिखा हुआ है। उसी के बाद आपको एक टाइटल लिख देना है, जैसे कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन। इस तरीके से आप बहुत सारे टाइटल बना सकते हो, आपको बस एक ही टाइटल लिखना होता है। उसके बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसी के बाद आपको एक समरी लिखनी है 80 वर्ड्स की, और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा समराइज करना है। मतलब जो भी आपने इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा उन सबको समराइज करके उस समरी में लिखना होता है। याद रहे समरी की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। समरी का मतलब ही यही होता है कि जो भी आपने स्टोरी या पैराग्राफ पढ़ा उसको छोटे में लिखना, समरी बना देना उसकी। So this was all about how to make note making. For more videos, please subscribe our channel. Yeah.